आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करते रहता है हर पल। इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे मेरे वीडियोस साइकोलॉजी, साइकेट्री, मानसिक बीमारी के बारे में हैं। आप कोई भी नाम यदि यूट्यूब पर डालते हैं, कोई भी समस्या, और डॉक्टर दीपक केळकर डालते हैं, तो आपको वीडियो मिल जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आज बात करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत और कॉन्शियस माइंड का उसके ऊपर प्रभाव, उसके बारे में। देखो, कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो एक द्वारपाल है। कौन सी बाहर की चीज अंदर जाने देना, वो उसके ऊपर है। देखो, बाहर से कुछ भी लोग आपको बोल सकते हैं, और वो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। अभी वो सबकॉन्शियस माइंड में घुसा देना, अंदर डालना कि नहीं डालना, ये कॉन्शियस माइंड के ऊपर है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड द्वारपाल है, उसने उसको नहीं जाने दिया कोई भी चीज बाहर की, तो वो अंदर जाएंगे नहीं सबकॉन्शियस माइंड में, और वो अपने मन का हिस्सा बनेगा नहीं। तो दूसरों के विचार अस्वीकृत आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनके विचार आपने स्वीकृत करना और अंदर डाल देना। आपका चेतन मन द्वारपाल का काम करता है, और वैसे ही अपना चेतन मन अचेतन मन को आत्म सुझाव देते रहता है। वो कुछ सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं। जैसा एक आत्म सुझाव है, समझो कि मैं यह नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, मैं जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, मैं गलत घर में पैदा हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं बन पाऊँगा, मैं इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, मैं कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मुझे हर काम में निराशा या असफलता आती रहती है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितने बाकी लोग हैं। ऐसे बार 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 यदि आत्म सुझाव अपना कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से देता है, तो फिर क्या होगा, वो सुझाव वहाँ जाके पक्के बैठ जाते हैं। और भी ऐसे कोई चीज़ मतलब सुझाव है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ मगर उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं, मैं कभी जीत नहीं सकता, ये सुझाव जब अंदर जाते हैं। देखो, आप मजाक में भी बोलते होंगे ऐसा, तो सबकॉन्शियस माइंड को मतलब अवचेतन मन को मजाक समझती नहीं है। जो भी कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को बोलता है, उसको हकीकत लगती है, उसको मजाक और हकीकत इसमें समझ नहीं है, समझदारी नहीं है। तो आप मजाक भी नहीं कर सकते, मजाक से भी आपने कुछ बोला तभी वो अंदर जाके बैठ सकता है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि मैं मेरे अवचेतन मन को क्या खिला रहा हूँ रोज, कौन से आत्म सुझाव दे रहा हूँ, कौन सी गलत चीज़ें डाल रहा हूँ। और वहाँ से यदि आप खड़े रह के देखेंगे, तो आपको कभी नकारात्मक विचार जो है ना, वो तकलीफ देंगे भी नहीं, विचार आते भी है तब भी आप उसको कन्वर्ट करेंगे सकारात्मक विचारों से। मैं ये नहीं कर सकता, यह विचार जो है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये विचारों को आप बदल सकते हैं। और ये विचार हम बोल सकते हैं कि मेरे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से मैं हर काम, कोई भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो यदि आत्मसुझाव हम देते हैं, तो ज़िंदगी एक आसान चीज़ बन जाएगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और हर काम आप आसानी से कर सकोगे। मैं नहीं कर सकता, ये चीज़ कभी अपनी ज़िंदगी में आएंगी भी नहीं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।